दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, एक इंसान की आदत ही उसे अमीर बनाती है और एक इंसान की आदत ही उसे गरीब बनाती है। सो जैसे हम आदतें अपनाते हैं, वैसे ही हम इंसान बन जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अडेप्टिंग द राइट हैबिट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डे टू की सीरीज में हैं, जिसमें हम लोग एक शानदार बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी जी ने, जो कि एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बिजनेस ओनर हैं। उन्होंने इसमें कुछ ऐसी शानदार बातें बताई जो हम आपको समराइज फॉर्म में दिखाने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस। उसके पहले भी दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूबल कॉन्टेंट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं, जिससे हम फाइनेंशियली एजुकेट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। और अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, राइट फाइनेंशियल एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में स्ट्रगल करते रहेंगे। एंड दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ जिंदगी काटने नहीं आए, जिंदगी को जीने आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रेंड्स। एंड अगर आप लोगों ने डे वन अगर मिस हो गया है आप लोगों से, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन चेक आउट द डे वन। आई विल जस्ट गिव द लिंक, मींस मैं आप लोगों को ऊपर लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डे वन में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, जो आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देगा एंड फाइनेंशियली आप लोगों को एक राइट एजुकेशन मिलेगी, जो ज़्यादातर कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में मिल नहीं पाती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट्स कवर करेंगे। नंबर वन पार्ट जो है वो है थॉमस एडिसन की स्टोरी। ज़्यादातर लोगों को इन्वेंशन के बारे में पता होगा, लेकिन उनका एक बिजनेस माइंडसेट नहीं पता होगा। तो वो आज हम जानेंगे कि कैसे थॉमस एडिसन बिजनेस माइंडसेट का यूज करते हुए कैसे वो रिच बने और कैसे सक्सेसफुल बने। नंबर टू, हम जानेंगे कि जो अमीर इंसान है वो और ज़्यादा अमीर क्यों हो रहा है, वो जानेंगे। और नंबर थर्ड, अमीर इंसान ऐसा क्या करता है जिससे वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है, ये हम जानेंगे यहाँ पर। और सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, कि हमें अमीर बनना क्यों है, उसका सबसे मेन मोटिव यही है कि वी नीड टू बिकम फाइनेंशियली फ्रीडम, जिसमें हमारे पास मनी भी हो और टाइम भी हो उस मनी को एंजॉय करने के लिए। तो वो कब आ सकता है, जब हम ये इस टाइप की एजुकेशन हम लेना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम जानने वाले हैं कि थॉमस एडिसन की स्टोरी एग्जैक्टली कहती क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ तो पता होगा इंसिडेंट वन में, जिसमें हमने जाना कि थॉमस एडिसन ने एक लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, और उस लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए उन्होंने 10,000 टाइम्स वो फेल हुए थे, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन के रूप में आता है कि 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिससे लाइट बल्ब नहीं बनता। दैट्स गुड, वो पार्ट वन था। लेकिन पार्ट टू क्या कहता है, पार्ट टू कहता है कि थॉमस एडिसन इन्वेंटर के साथ साथ ही वॉज अ बिजनेस मैन, ही वॉज अ बिजनेस ओनर, जिसकी वजह से वो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, रिच हुए, सक्सेसफुल हुए। आइए उनकी स्टोरी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन जो थे वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। अब ड्रॉप आउट से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब वेले होते हैं, या मतलब उनके इंटरेस्ट नहीं होता और वो आगे चलकर कामयाब नहीं होते। ये हमारा कहीं ना कहीं मिथ हो रहा है सोसाइटी का। वो अपनी सोसाइटी भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उन्हें इस तरीके की राइट फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली हुई होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो स्कूल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, थॉमस एडिसन ने जब स्कूल ड्रॉप आउट किया, उसके बाद पहले उन्होंने कैंडीज और मैगजीन्स बेचना शुरू किया रेल रोड्स पर, मतलब रेलवे की पटरियों पर। वहाँ से उन्होंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है लाइफ की, वो होती है सेल्स स्किल्स को उन्होंने मास्टर किया, उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू करा। जो सेल्स स्किल्स आज की डेट में हम चाहे ग्रेजुएशन करें या चाहे मास्टर्स करें, हमें एग्जैक्टली मिलती नहीं है स्किल्स सीखने को। थियरीज मिल जाती हैं, सेल्स थियरीज, बिजनेस थियरीज सीखने को मिलती हैं, लेकिन सेल्स स्किल्स जब हम मार्केट में उतरते हैं तब हमें पता चलता है। तो वो उन्होंने छोटे लेवल से मतलब स्टार्ट किया कैंडीज और मैगजीन्स बेचने से। फिर उन्होंने डे बाय डे उन्होंने देखा कि यार, इस काम को मैं, मेरे बिना कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट यूज़ किया, जिसमें उन्होंने कुछ बॉयज़ को अपने साथ इन्वॉल्व किया टीम में, और वो उनकी टीम उनके लिए मतलब सेल्स कर रही थी, कैंडीज और मैगजीन्स बेच रही थी। फिर डे बाय डे उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर अपना प्रिंट करवाया रेलवे स्टेशन पर, और फिर न्यूज़पेपर भी बेचना शुरू करवाया। किसके थ्रू, अपने टीम के थ्रू। अब उन्होंने एक टीम बनाई, यंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ से उन्हें प्रॉफिट्स मिलना शुरू हुआ, तो फिर वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर उन्होंने डर्जन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, डर्जन्स ऑफ यंग बॉयज़ को रिक्रूट किया अपनी टीम में, इन्वॉल्व किया, अपनी एक टीम बनाई डर्जन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की, डर्जन्स ऑफ बॉयज़ की। और डर्जन्स ऑफ बॉयज़ ने यही सेम काम किया, कैंडीज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर बेच रहे थे, और थॉमस एडिसन को मिल रहा था एज अ पैसिव इनकम, जिसमें वो काम नहीं भी कर रहे थे तो भी उन्हें पैसिव इनकम आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके बिहाफ में ही हैड अ पर्टिकुलर सिस्टम उनके लिए काम कर रहा था।
फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार यहाँ से तो व्यापार अच्छा बिल्ड हो ही रहा है, पैसा भी आ रहा है, कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ को सीखते हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का प्रोफेशन चूज़ किया, जिसमें वहाँ पर एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर वो कुछ टाइम के लिए वो सीख रहे थे। और उसी बीच उन्हें एक और चीज़ ऑब्जर्व हुई, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार टेलीग्राफ ऑपरेटर अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ पूरी सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो इसने टेलीग्राफ जो बनाया होगा जिसने उस वो अमीर कैसे बना, इतना सक्सेसफुल कैसे बना। तो उन्हें जवाब मिल के आया कि उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। टेलीग्राफ जो है जो आज की डेट में, मतलब हम देखते हैं आज की डेट में टेलीग्राफ नहीं मिलता, राइट, बट जो पहले के ज़माने में मिलते थे, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था, रिलेज का, स्टेशन का सिस्टम बनाया था, इलेक्ट्रिकल लाइन्स का सिस्टम बनाया था, पोल्स का सिस्टम बनाया था, लोगों का एक स्किल्ड लोगों का एक टीम बनाया। तो वहाँ से टेलीग्राफ मीन्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और हर जगह पे टेलीग्राफ हमें मिलना शुरू हो जाता था। तो उन्हें एक चीज़ समझ आई कि यंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उन्हें बचपन से मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्रीवियस जो डे वन है उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि ई एस डी आई एक क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर जो थॉमस एडिसन थे जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने पहले मैगजीन्स और कैंडीज पहले सेल करना शुरू करा, बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लाते थे उसे सेल करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यार ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, तो वो उन्होंने बिजनेस माइंडसेट यूज़ किया, यंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। फिर वहाँ से उन्होंने और डर्जन ऑफ बॉयज़ को अपनी टीम में शामिल किया और वहाँ से उनका चलता रहा। तो कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि ये थॉमस एडिसन की स्टोरी से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, और वो क्या है कि अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें कहीं ना कहीं अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यानी अमीर इंसान और अमीर कैसे बन रहा है उसे समझते हैं। तो अमीर इंसान क्या करता है, ही यूज्ड टू ओन द सिस्टम, सिस्टम को वो क्या करता है, ओन करता है। उससे भी पहले वो क्या करता है, पहले सिस्टम को बनाता है। अब जैसे अगर आप यहां पर एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसी थॉमस एडिसन की स्टोरी में हम देखेंगे कि छोटे से बल्ब ने उन्हें इतना बड़ा व्यापारी कैसे बना दिया कि वो सक्सेसफुल भी हुए, अमीर भी हो गए, फाइनेंशियली फ्री भी हो गए। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने अपनी एक छोटे से बल्ब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अगर एक बल्ब अगर एक जगह पर एक रूम में अगर रोशनी दे सकता है तो यार ये पूरी दुनिया में कैसे रोशनी वापस आ सकती है। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि यार हमें कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन्स का सिस्टम बनाना पड़ेगा, तार बिछाने पड़ेंगे, पोल्स बिछाने पड़ेंगे, रिले स्टेशन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, स्किल्ड लोगों का, और वो सारा सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। तो उन्होंने सिस्टम पहले बनाया, फर्स्ट पहले सिस्टम बनता है, फिर उन्होंने खरीद लिया सिस्टम को, और उसी की वजह से आज वो रिच भी हुए, सक्सेसफुल भी हुए। ये था थॉमस एडिसन की कहानी। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो आज आप और हम मैकडी में जाते हैं, मतलब फास्ट फूड्स खाने KFC में जाते हैं, जो KFC के फाउंडर हैं जिन्होंने 57th ईयर की एज में उन्होंने KFC ओपन की थी। तो उनकी अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क बनाया, सिस्टम इज नथिंग बट अ नेटवर्क बनाया, एक फ्रेंचाइजी ओन करी, एक टीम सेटअप बनाया, और उसी टीम सेटअप की वजह से आज की डेट में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, इनफैक्ट आज आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि चाहे वो विप्रो हो, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज लाइक विप्रो, HCL, उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, उन लोगों ने अपना एक नेटवर्क बनाया, पहले नेटवर्क बनाया फिर उसे खरीद लिया, और इसी नेटवर्क की वजह से आज वो वीकडेज पर भी कहीं घूमने जाते हैं तो उनकी इनकम पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अमीर इंसान और अमीर कैसे बन रहा है, एग्जाम्पल और लें अगर हम धीरूभाई अंबानी जी का, उन्होंने अपने एक नेटवर्क बनाया। इसी तरीके से रतन टाटा जी, टाटा के अलग अलग बिजनेसेस हैं, अगर रतन टाटा जी अगर वीकडे पर अगर कहीं घूमने भी जाएंगे उनकी इनकम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को बनाया। अब यही सेम हम आम आदमियों के लिए भी अप्लाई होती है, वी एज अ मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो कैन क्रिएट आवर ओन नेटवर्क। कैसे, ऑलरेडी हमने डे वन में कवर अप किया हुआ है, अब वहां से चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। तो अमीर और अमीर कैसे बन रहा है हमने जाना, मोटा मोटी हमें कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम को खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम कहा, अगर हम सिस्टम को खरीद बनाते हैं, उसे खरीद लेते हैं, तो वी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस ओनर। हम इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाते हैं और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आज अब जितने भी आप देखेंगे, जितने भी बिल गेट्स वगैरह आप देखें, जितने इतना बड़ा मतलब कि नेटवर्क बनाया अपना, अगर मतलब कुछ टाइम पहले बिल गेट्स से भी एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था
कि अगर हम आपकी पूरी वेल्थ अगर आपके ले भी लें, राइट, सारी वेल्थ जो आपने एक्यूमुलेट की है इतनी इतनी लाइफ में, अगर हम वो सारी हम ले लें, फिर भी क्या वापस आप मतलब वेल्थ क्रिएट कर पाओगे? तो उसने कहा था बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिच माइंडसेट था उनके पास कि मैं सिस्टम को बनाऊंगा, उसे खरीद लूंगा, और यही चीज उन्हें मतलब विशाल उन्हें सक्सेसफुल बने। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों। आज हम कॉफी पीने जाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी, स्टारबक्स ही पीते हम हैं, यूजर हम हैं, लेकिन बिजनेस माइंडसेट आप देखें दोस्तों स्टारबक्स के फाउंडर का, कितनी सारी फ्रेंचाइजीज उन्होंने बना ली, और ये सारी फ्रेंचाइजीज हम और आप भी बना सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। कैसे? आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस फर्दर अबाउट इट। नेक्स्ट, दो पॉइंट्स हमने देखे, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल सा रीजन है कि पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि दोस्तों जैसी संगत वैसी रंगत। अमीर इंसान के साथ गेट अलोंग करता है, उसके साथ हैंग आउट करता है, तो वैसे ही उसके माइंड में विचार आते हैं, वैसे ही वो एक्शंस लेता है। इसी तरीके से जैसे आज के टाइम पर दोस्तों हमने देखा कि मतलब चाहे दुबई हो, चाहे वो इंडिया हो, या चाहे कोई और कंट्री हो, डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक प्रॉब्लम हो। जैसे अगर एक मिडिल क्लास के साथ गेट अलोंग करेगा तो वैसे ही उसके विचार आएंगे, वैसे ही वो थॉट्स करेगा कि यार महंगाई तो बढ़ गई यार, अभी यार यूक्रेन रशिया का वॉर भी हुआ, अब तो यार कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो बिजनेस यार मतलब वैसे मतलब ठंडा पड़ गया है, अब क्या करें, तो वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जैसे संगत वैसी रंगत। तो यहाँ पर अमीर और अमीर क्यों बन रहा है? क्योंकि वो गेट अलोंग करता है उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी अमीर हैं, या फिर जो उस प्रोसेस में जा रहे हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रिच। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। वी विल जस्ट क्विकली समराइज कि हमने इस वीडियो से क्या चीज़ें जानी। सबसे पहले हमने थॉमस एडिसन की स्टोरी जानी, जिसमें हमने देखा कि वो इन्वेंटर तो थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या था जो हमें नहीं पता था कि दैट ही वॉज अ बिजनेस ओनर। बिजनेस माइंडसेट से उन्होंने सोचा कि यार एक जगह पर अगर रोशनी आ सकती है तो मिलियंस ऑफ बल्ब कैसे बन सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक अपना एक सिस्टम बनाया, इलेक्ट्रिकल लाइन्स का सिस्टम बनाया, रिले स्टेशन का सिस्टम बनाया, लोगों का एक सिस्टम बनाया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे, लाइक धीरूभाई अंबानी जी की देखी, रतन टाटा जी का देखा, और भी अगर आप जितने भी आप बिजनेस टाइकून्स आप देखेंगे, इनफैक्ट आप दूर ना जाकर अगर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप या आप जिसे भी आइडियल मानते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, आपने उन्हें देखा होगा कि जो ये किस कैटेगरी में है, उन्होंने क्या किया, व्हाट मेक्स द रिच रिचर। उन्होंने अपना एक टीम बनाया, रियल्टर्स का एक टीम बनाया। अगर आप एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, विच इज़ अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री, पर्सनल एक्सपीरियंस वाइज अगर बात करूँ तो इंडस्ट्री इतनी फैंटास्टिक क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को रियल्टर, और आप सेल्स कर रहे हैं, राइट, यू आर सेलिंग सम प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आप इन लोगों से आप मिलेंगे, आपके जो बायर्स होंगे सेलर्स होंगे वो इस कैटेगरी में होंगे, और इनके साथ जब आप गेट अलोंग करते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक अलग ही माइंडसेट मिलता है कि हाउ यू कैन कम इन दिस कैटेगरी। और हमारे बहुत ही फैंटास्टिक एक पर्सनालिटी है मिस्टर गौतम बाली जी, वो भी कहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, तो हमें यहाँ से यहाँ पर सोचने की हिम्मत करनी है ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें फ्रेंड्स, मनी ट्रैप से बाहर निकल सकें, और वीकडेज को हम इंजॉय कर सकें। आज है वीकेंड, बट कैसा हो दोस्तों कि आप वीकडेज को भी वीकेंड की तरह इंजॉय कर पाओ, आप घूमने जा सको अपनी मनपसंद डेस्टिनेशंस पर, आप अपनी हॉबीज को परस्यू कर पाओ विदाउट द फाउंडेशन, आपके पास कंट्रोल हो अपनी लाइफ का, तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमें आने की ट्राई करनी है। यहाँ पर हमने देखा कि अमीर और अमीर क्यों कैसे बन रहा है, उसके लिए हमने देखा कि वो सिस्टम को पहले बनाता है, सिस्टम को खरीदता है, हम और आप भी सिस्टम बना सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। कैसे? आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अमीर और अमीर कैसे बन रहा है, वो इस कैटेगरी में आता है तो इस हिसाब से वो अमीर बन जाता है, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। एंड फाइनली, अमीर और अमीर क्यों बन पा रहा है, क्योंकि वो गेट अलोंग करता है, एसोसिएशन की पावर समझता है। ठीक है, जिसके साथ आप रहेंगे वैसे ही आपके थॉट्स आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के थॉट्स आएंगे, वैसे ही आप एक्शंस लेंगे और वैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। टू लेट मी नो इस पूरी एंटायर वीडियो में कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया,
अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।